हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। आज मैं आपको व्रत में खाए जाने वाले सिंघारे के आटे का हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सिंघारे के आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने एक कप सिंघारे का आटा, आधा कप घी और आधा कप चीनी और दो इलायची को कूट कर ले लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल घी को गर्म करेंगे और घी को अच्छी तरह से पूरी कढ़ाई में फैला लेंगे। मैंने दो चम्मच अभी घी डाला है ताकि उसमें हलवा चिपके नहीं। कढ़ाई हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम लोग उसमें सिंघारे के आटे को डाल देंगे। ये देखिए हमारा कढ़ाई अब गर्म हो गया है। अब हम लोग उसमें सिंघारे को आटे को डालकर धीमी आंच पर भूनेंगे। इसके कलर के चेंज हो जाने तक हम लोग इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे। तब तक हमारा सिंघारे का आटा अच्छी तरह से पक जाएगा और पक जाएगा तो उसके टेस्ट भी आएगा और उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी अच्छी आएगी। ये देखिए हमारा अभी थोड़ा सा कुछ कलर चेंज हो गया, लेकिन अभी एक से दो मिनट और हम लोग इसे भूनेंगे। देखिए हमारा कलर अब बिल्कुल चेंज हो गया सिंघारे के आटे का। अब अच्छी तरह से ये भून चुका, अब हम लोग इसमें घी डाल देंगे। मैंने करीब आधा कटोरी घी लिया है, जिस कटोरी से मैंने एक कटोरी सिंघारे का आटा लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी से मैंने घी लिया है। अब घी को डाल के भूनेंगे। अब हम लोग इसमें कूटी हुई इलायची को मिला देंगे ताकि उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। फिर मैंने उसी एक कटोरी से आधा कटोरी चीनी लिया है। अब हम लोग चीनी को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने कम ही चीनी डाला है इसमें, मुझे कम मीठा चाहिए था, आधे कटोरी से भी कम मैंने चीनी का यूज किया, मेरा चीनी थोड़ा सा बच गया। अब हम लोग इसे चीनी को मिलाएंगे। हमारा चीनी अच्छी तरह से आटे में मिल गया है। अब हम लोग इसे पानी डालेंगे। मैंने करीब 1.5 गिलास पानी का यूज किया है इसमें। देखिए इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हम लोग जल्दी जल्दी इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो आटे में गांठें पड़ जाएंगी। अब थोड़ा सा और पानी की ज़रूरत है। अब करीब आधा गिलास पानी हम लोग और डालेंगे इसमें। बहुत ड्राई लग रहा है। अब पानी से सिंघारे का आटा हम लोग का फूल भी जाएगा और अच्छी तरह से पक भी जाएगा। अब हम लोग इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे करके मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है। घी छोड़ दिया है कढ़ाई में और बहुत अच्छा हलवा तैयार हुआ है। अब हम लोग इसे थाली में फैला लेंगे और फैला कर उसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक थाली लिया है, अब उसमें हम हलवे को, सिंघारे के आटे के हलवे को फैला लेंगे अच्छी तरह से। पहले पलटे की सहायता से, फिर बाद में आप चम्मच की सहायता से इसे फैला लें क्योंकि अभी बहुत गर्म है। अब हम लोग चम्मच की सहायता से इसे फैला लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा हलवा तैयार हुआ है, हमारा घी दिख रहा है। अब हम लोग इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसे मनपसंद आकार में इसे काट लेंगे। आप अपने मनपसंद आकार में जो भी आपको पसंद हो आप इसे चाकू से काट लीजिए, इसकी बर्फियाँ बना लीजिए। हमारा टेस्टी हलवा तैयार है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मैंने उस पर बादाम से ऊपर से गार्निशिंग की है। आप अपने मनपसंद गार्निशिंग कर सकते हैं। मेरी ये हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, इसे ज़रूर बनाइए और कभी भी व्रत में आप इसे बना सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।